हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि 8166 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती, उसके न्यूज़ के बारे में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। और साथ ही साथ मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि कैसे हम लोग TGT, PGT और एलटी ग्रेड की तैयारी होम साइंस की एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है, एक प्लान बनाया है, क्योंकि बिना स्ट्रेटजी और बिना प्लानिंग के कोई भी चीज़ हम लोग नहीं पा सकते। बस पढ़ के नहीं चीज़ें करेंगे, लेकिन हार्डवर्क करना है, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो अगर समझ में आ रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे TGT PGT प्लस LT ग्रेड को साथ में लेके कैसे पढ़े, कैसे कंबाइंड स्ट्रेटेजी बनाए कि अगर हम एक पॉइंट पढ़ते हैं तो वो TGT में भी आए, LT में भी आए और PGT में भी आए। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें, इसीलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर सिलेबस को लिखा है। बिना सिलेबस के कैसे पढ़ेंगे ये आप लोग भी जानेंगे कि बिना सिलेबस के नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है, तो LT का मैंने पुराना ही सिलेबस उठाया है, क्योंकि अभी तक नया कुछ नहीं आया है और मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस भी नहीं होंगे, इसीलिए हम लोग पुराने को ही लेके चलेंगे। और TGT PGT का भी पहले का ही जो है वो सिलेबस है, क्योंकि उसमें भी कोई बदलाव अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग यही सिलेबस जो कि पुराना है उसी पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी कि जो हमारा पहला पॉइंट है फूड एंड न्यूट्रिशन। यहाँ पर मैंने एलटी ग्रेड का सिलेबस लिखा है फूड एंड न्यूट्रिशन का, इधर मैंने TGT का लिखा है और इधर मैंने लिखा है PGT। PGT के बारे में मैं एक पॉइंट आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, जो PGT है इसमें जो है शरीर रचना क्रिया विज्ञान, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिटेल में PGT में पूछा जाता है। मैंने यहाँ पर नहीं मेंशन किया, क्योंकि उसके लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ मेन LT ग्रेड TGT PGT के मैंने वही पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए हैं जो कि LT और TGT में भी आते हैं। ठीक है, तो PGT के लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। जो लोग PGT की तैयारी कर रहे हैं वो मेरी वीडियो के साथ साथ तैयारी तो करते रहे, प्लस आप एक्स्ट्रा एफर्ट ज़रूर लगाइए। मैं आपको बताऊंगी कि एक्स्ट्रा एफर्ट ज़रूर लगाइए, नहीं लगाएंगे तो PGT निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें तो कवर हो जाएंगी, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, एक्सटेंशन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। लेकिन जो पहला हमारा पॉइंट है फूड एंड न्यूट्रिशन का, उसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पूछा जाता है, वो भी क्या, शरीर रचना क्रिया विज्ञान। ठीक है, मैं आप लोगों को उतना तो जरूर कराऊंगी जितना कि 11th और 12th की बुक में है, जितनी कि 11th और 12th की बुक में है शरीर रचना क्रिया विज्ञान, उतना तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को कराऊंगी। बहुत सारी चीज़ें तो उसमें से कवर हो ही जाएंगी, बट फिर भी मैं कहूंगी PGT वालों, आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, सेल्फ स्टडी आप लोग अलग से करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन सा पॉइंट कॉमन है तीनों एग्जाम में। देखिए, पोषण इसमें भी है, पौष्टिकता की संकल्पना देखिए, ठीक है, सेम है। भोज्य पदार्थ और भोज्य समूह, LT में देखिए भोज्य समूह भी है, इसमें देखिए भोज्य समूह कहाँ है, ये देखिए आहार वर्ग का वर्गीकरण। चीजें समझ में आ रही है ना कैसे है, प्राप्ति के साधन। तो अगर हम आहार वर्ग का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो साथ में साथ प्राप्ति के साधन भी पढ़ेंगे। ठीक है, पोषक तत्व इसमें भी है, पौष्टिकता की संकल्पना, पोषक तत्व इसी में आ जाएगा। इसमें पोषक तत्वों में कि जैसे कि देखिए हम लोग कितने पोषक तत्व हैं, जैसे कि प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, जल है, खनिज लवण है, ये सारे क्या है, ये सारे पोषक तत्व हैं जो कि हमें इसमें भी डिटेल में पढ़ना है, LT में भी पढ़ना है, प्लस TGT में पढ़ना है, और प्लस देखिए हमें PGT में भी इसे पढ़ना है। इसलिए इसको हल्के में नहीं ले सकते, जितने भी सारे पोषक तत्व हैं उनको हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे हम लोग तैयारी करें कि एक चीज़ पढ़े तो तीनों में हमारे जो है वो काम आए, अलग से कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत बहुत ही कम होगी मेरे ख्याल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, संतुलित आहार एकदम साफ साफ देखिए, संतुलित आहार LT में भी है, संतुलित आहार इसमें भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब देखते हैं मिलावट देखते हैं। ये देखिए, खाद्य संरक्षण एवं मिलावट दोनों में कॉमन है। चीजें समझ में आ रही है, भोजन की सुरक्षा एवं संरक्षण। तो देखिए, खाद्य संरक्षण एवं मिलावट बात एक ही है, पढ़नी तो एक ही चीजें हैं, बस लिखने का तरीका क्या है वह अलग अलग है। पाक कला की विधियां हमें इसमें भी पढ़नी है। ठीक है, तो पाक कला की विधियां तो इसमें भी पढ़नी है, और पाक कला की विधियां को हम लोगों को इसमें भी पढ़ना है। रसोई घर के प्रकार,
जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियां, ठीक है। तो ये जीवाणुओं द्वारा जो होने वाली बीमारियां हैं, ये हम लोग देखे उसमें हेल्थ वाला जो सेशन है हमारा टीजीटी में, जो हेल्थ वाला सेशन है उसमें है ना जीवाणुओं द्वारा पड़ने वाली बीमारी। अभी मैंने पिछली वीडियो में ही आप लोगों को बताया था कि जो संक्रामक रोग होते हैं, संक्रामक रोग जीवाणु और विषाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियां, यानी जल जनित रोग, वायु जनित रोग, इस तरीके से। तो देखिए कहने का तरीका है कि चीज़ें वही है, बस इसमें लिखने का तरीका जो है वह अलग अलग दिया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब एक्स्ट्रा देखिए इसमें क्या पढ़ना है, अगर हम लोग आहार पढ़ेंगे इसमें तो आहार की संरचना एवं कार्य तो डेफिनेटली पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और ये तीनों में ही हमारे काम आएगा। अब आगे देखते हैं, देखिए ज्वर है, टाइफाइड है, अल्सर, मधुमेह, गुर्दा एवं दिल के रोगियों का आहार। इसी तरीके से देखिए इसमें भी है अतिसार, कब्ज, रक्तचाप, मधुमेह, इन सब के रोगियों का आहार। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को कैसे चीज़ें एक जैसी है। भोजन का पाचन, अवशोषण और चयापचय, ठीक है, और सामान्य रसायन, सामान्य रसायन इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं, इसमें नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग पोषक तत्व पढ़ रहे हैं तो पोषक तत्वों का पाचन एवं अवशोषण ये भी पढ़ना जरूरी है, ये इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी हमारे काम आएगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है, जो चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे वही चीज़ इसमें और वही चीज़ हमारे पीजीटी में भी काम आएगा। पीजीटी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। अब देखिए इसमें देखिए सामान्य शरीर क्रिया विज्ञान, हमारे इसमें तो सामान्य शरीर क्रिया विज्ञान तो है नहीं, इसमें देखिए क्या है, मानव शरीर की संरचना, एक पॉइंट है मानव शरीर की संरचना। इसमें देखिए अंदर कुछ भी नहीं दिया है कि मानव शरीर की संरचना में पर्टिकुलर हमें पढ़ना क्या है, लेकिन मैं इसमें वो सारी चीज़ें डिस्कस कराऊंगी जो कि हमारे 11th और 12th की बुक में है, शरीर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं मैं इसी कवर कराऊंगी, तो जो कि आपको पीजीटी में भी काम आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो इसी तरीके से देखिए अगर मानव शरीर की संरचना हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए विभिन्न तंत्र का अध्ययन, यानी कि मानव शरीर में जो विभिन्न तंत्र हैं जैसे कि पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, अवशोषण, इस तरीके से क्या है विभिन्न जो तंत्र हैं उनका अध्ययन हम लोग को LT में भी करना है, TGT में भी करना है, और इसमें तो शरीर रचना क्रिया विज्ञान एक बहुत ही इलेबोरेट टॉपिक है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे। इसीलिए मैं पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि जो 11th 12th में है वो तो मैं आप लोगों को कराऊंगी, प्लस आप लोग पीजीटी के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आप लोग लगाइएगा। ठीक है, तो चीजें यहां तक समझ में आ गई, आगे बढ़े। तो ये फूड एंड न्यूट्रिशन तो एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सिलेबस चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट को। ठीक है, तो इधर देखिए LT ग्रेड का चाइल्ड डेवलपमेंट का सिलेबस है, इधर TGT और इधर PGT का, ध्यान से देखिएगा। LT ग्रेड में है विकास, विकास का अर्थ, विकास के कार्य, सिद्धांत, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। गर्भावस्था में विकास है, विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं, विकासात्मक कार्य है, शारीरिक, क्रियात्मक, सामाजिक, संरचनात्मक, संज्ञानात्मक और रचनात्मक विकास है, ये सारे विकास के बारे में चीजें हैं। अब देखिए TGT में क्या पूछा है, TGT में ये बोला है कि बच्चों की वृद्धि एवं विकास। तो क्या हम लोग सिर्फ बच्चों की वृद्धि और विकास का कॉन्सेप्ट पढ़ के छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ ये मेंशन किया है, सिर्फ आपको टॉपिक दिया है, टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है ये TGT में नहीं दिया है, लेकिन LT ग्रेड में क्या दिया है, LT ग्रेड का सिलेबस अगर आप उठाएंगे तो उसमें एक एक टॉपिक के अंदर की चीज़ों को भी दिया है, यानी कि क्या पढ़ना है। तो इस तरीके से अगर हम लोग बच्चों की वृद्धि और विकास पढ़ेंगे तो केवल कॉन्सेप्ट पढ़ के नहीं छोड़ेंगे, उसकी अर्थ पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे, जो वृद्धि और विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं जैसे कि गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सारी अवस्थाओं को भी हमको इसमें डिटेल में पढ़ना है। इसमें मेंशन नहीं किया है और LT में इसने सारी चीज़ें दी हुई है, गर्भावस्था में विकास की अवस्थाएं, इस तरीके से। आगे देखते हैं विकासात्मक कार्य को भी पढ़ना है, इसमें भी पढ़ना है और हमें इसमें भी विकासात्मक कार्य देखना है।
शारीरिक, क्रियात्मक, सामाजिक, संरचनात्मक, संज्ञानात्मक और रचनात्मक विकास, ये सारी चीजें अगर इसमें हम देखेंगे तो इसमें भी हमें डेफिनेटली देखना है, क्योंकि पॉइंट इसमें नहीं दिया गया है कि अंदर की चीजें कौन सी पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आगे देखते हैं पीजीटी में। देखिए पीजीटी में बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन फिर भी जितनी अगर हम इसमें पढ़ेंगे तो उतनी हमें इसमें भी पढ़नी पड़ेगी। मानव विकास की, मानव विकास के जो सिद्धांत है, इतिहास है, विकास के नियम है, ठीक है, इस तरीके से जो है पीजीटी में भी हमको इसको देखना पड़ेगा। तो ये हो गया चाइल्ड डेवलपमेंट। अब देखिए इसमें थ्योरी दिया है, ध्यान से समझिएगा, जो एलटी ग्रेड में है, देखिए पर्टिकुलर थ्योरी का नाम दिया है, जैसे कि फ्रॉइड की थ्योरी है, एरिक्सन की थ्योरी है, पियाजे है, पावलव है, स्किनर है और कोहलबर्ग है। इन सबकी थ्योरी को भी हमें एलटी ग्रेड में पढ़ना है। पीजीटी में भी कभी कभार इससे निकल के आ जाते हैं क्वेश्चंस और पीजीटी में भी, तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और फ्रेंड्स मुझे पता है कि बीएड में आप लोगों ने ये सारी थ्योरी पढ़ी होगी, सिर्फ और सिर्फ जरूरत क्या है इसको रिविजन करने की, अलग से कुछ भी जो है याद करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आप लोगों ने बीएड में बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ी होंगी, सिर्फ आप उनको रिविजन कर लेंगे तब भी काम जो है वो हो जाएगा। अब देखिए एक पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा दिया है, मैंने पहले ही बताया था कि एक तो पॉइंट छोड़ के सारी चीजें मैच करेंगी। इसमें देखिए ये एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है, क्या ये देखिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, यानी कि जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको हमको एलटी ग्रेड में पढ़ना है। देखिए कैसे दिया है, शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, बोलने, सुनने, देखने में असमर्थता, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, बाकी सारी चीजें जो है वो मैच करेंगी। अब देखिए टीजीटी में क्या एक्स्ट्रा है, टीजीटी में देखिए एक्स्ट्रा है बच्चों की मृत्यु एवं रुग्णता, विद्यालयी स्वास्थ्य, इससे एज सच कोई उतना क्वेश्चन अगर आ भी जाता है तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको कर जाएंगे, इसमें कोई भी ऐसी चीजें याद करने वाली नहीं है। विवाह और परिवार, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसमें विवाह और परिवार हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है, अब हम लोग इसको आगे देखेंगे। तो अभी चाइल्ड डेवलपमेंट आप लोगों को समझ में आ गया, तो आगे बढ़े या फिर खत्म करें, चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए अच्छा एक और भी पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, किसका डिस्कस करें हम लोग, टेक्सटाइल का। चलिए टेक्सटाइल पे भी एक हम लोग इस तरीके से स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, फिर चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग टेक्सटाइल के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इधर एलटी है, टीजीटी और इधर पीजीटी के, ठीक है। तो देखिए एलटी में क्या क्या पढ़ना है, वस्त्र परिधान का महत्व, रेशों का वर्गीकरण, उनके गुण, उत्पाद एवं उनके इतिहास, ठीक है, सिलाई मशीन, टाई एंड डाई, बाटिक कला, वस्त्रों का चुनाव, धुलाई, दाग धब्बे निकालना, ये टेक्सटाइल का, ये टेक्सटाइल के पॉइंट्स है एलटी ग्रेड में। अब देखते हैं टीजीटी में क्या है, टीजीटी में देखिए वस्त्र एवं सिले कपड़े, तो देखिए वस्त्र परिधान का महत्व, अगर वस्त्र है तो वस्त्र परिधान, यानी परिधान यानी सिले हुए कपड़े, ठीक है, तो अगर ये इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो हम उनके इम्पोर्टेंस, अर्थ, परिभाषा सारी चीजें पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इधर भी देखिए परिधान के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक तत्व, ये तीनों पॉइंट जो है वो मिल गए। अब देखते हैं रेशों का वर्गीकरण, देखिए रेशों का वर्गीकरण एलटी में भी है, रेशों का वर्गीकरण देखिए टीजीटी में भी है। अब देखिए रेशे जैसे कि कपास, ऊन, लिनन, सिल्क, ये सारे क्या है, ये सारे रेशे हैं, इनको एक एक करके बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। देखिए क्या पढ़ना है, वर्गीकरण और उनका रसायन, इसमें देखिए क्या पढ़ना है, रेशों का वर्गीकरण, उनके गुण, उत्पाद एवं उनका इतिहास, यानी अगर हम सिल्क पढ़ेंगे तो सिल्क के क्वालिटी को पढ़ेंगे, उसके उत्पादन को पढ़ेंगे, उसके इतिहास को पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे। अगर हम सिल्क इसमें पढ़ेंगे तो रेशों के वर्गीकरण में सिल्क है तो सिल्क को हम इसमें भी पढ़ेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है चीज़ें। तो कैसे दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, अब देखिए सिलाई मशीन, सिलाई मशीन इसमें तो दिया नहीं है, फिर भी अगर हम सिलाई मशीन पढ़ेंगे तो हमें काम ही आएगा, यूजलेस नहीं है। आगे देखते हैं टाई एंड डाई, तो इसमें देखिए कपड़ों की रंगाई, बात समझ में आ रही है, टाई एंड डाई एक तरह से क्या है, कपड़ों की एक रंगाई ही तो है, तो इसमें देखिए कपड़ों की रंगाई दिया है, इसमें टाई एंड डाई दिया है, क्या फर्क है, कुछ नहीं। देखिए धुलाई, इसमें भी धुलाई, इसमें भी धुलाई, ठीक है। वस्त्रों का चुनाव, तो देखिए इसमें क्या दिया, अवसरों एवं मौसम के अनुसार परिधान का चुनाव, तो क्या है अलग, कुछ भी अलग
नहीं है। अगर हम धुलाई पढ़ेंगे तो डेफिनेटली दाग धब्बों को निकालने की विधियां भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से क्या है, दोनों एक साथ हो गया, ठीक है। अब पीजीटी में देखिए, पीजीटी में भी है वस्त्रों की रंगाई, छापना एवं काटना, ठीक है। अगर हम ये चीजें पढ़ेंगे तो हम पीजीटी में भी हमारे काम आएगा। अब देखिए इसमें क्या है, भारत के पुराने यानी कि जो पारंपरिक परिधान है उनको हमको अलग से डिस्कस करना पड़ेगा पीजीटी के लिए। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, तो अभी अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर स्ट्रेटेजी पसंद आए तो मैं आगे भी डिस्कस कराऊंगी, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें मेहनत बहुत लग रही है और मुझे नहीं लगता कि आप लोग उतना देख रहे हैं, उतना इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, चीज़ों को प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं, आप लोग शेयर भी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से मेहनत, एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। तो आप लोग बस देख लेते हैं, लेकिन आप लोग इसको देखिए, इसको समझिए कि कैसे अगर हम एक चीज़ पढ़ेंगे तो वो हमें तीनों में काम आए। अगर जब एग्ज़ाम आए तो ऐसा नहीं कि हम एलटी के लिए अलग पढ़ें, टीजीटी और पीजीटी के लिए अलग पढ़ें, नहीं, एक चीज़ पढ़ेंगे, डेफिनेटली एक चीज़ पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे लेकिन सॉलिड पढ़ेंगे, जो कि तीनों में एक साथ आए और हमें काम आए। डिटेल स्टडी करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क के साथ। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर चीज़ें अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।